इस बार जनमंच का आयोजन सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पटलांदर में आगामी 7 जुलाई को होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर करेंगे। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि जनमंच के लिए 10 पंचायतें चिन्हित की गई हैं, जिनमें सपाहल, पनोह, लंबरी, रंगड़, पटलांदर, चलोह, धड़मेना, डेरा, टिहरा व चमियाना शामिल हैं। जनमंच के अवसर पर सभी विभागों के उच्च अधिकारी व जिला प्रशासन लोगों के घर द्वार पर उनकी समस्याओं व शिकायतों का निराकरण करेगा। इसके अतिरिक्त निशुल्क स्वास्थ्य जांच सुविधा सहित अन्य नागरिक सेवाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। पूर्व जनमंच चरण में सभी चिन्हित पंचायतों में विभिन्न विभागों के माध्यम से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पशुपालन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास, बागवानी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य व कृषि सहित अन्य विभाग जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक कर पात्र लाभार्थियों की पहचान भी कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत पनोह के जियाड़ गांव में कृषि जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग की ओर से ग्राम पंचायत डेरा पाहल व पटलांदर में तथा बागवानी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सपहाल में जागरूकता शिविर के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गयी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से ग्राम पंचायत चमियाना व डेरा में उचित मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण भी किया गया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से चौरी में विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी मौजूद जनता को प्रदान की गई। उन्होंने सभी चिन्हित पंचायतों के लोगों से आग्रह किया कि वे पूर्व जनमंच चरण में आयोजित इन शिविरों का भरपूर लाभ उठाएं। इसके साथ ही अपनी समस्या अथवा शिकायत भी इस दौरान वे पंचायत के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, जिन्हें समयबद्ध निराकरण के लिए संबंधित विभागों को ई समाधान से भेजा जाएगा। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।